जंक्शन तक जाने के लिए, मतलब रेलवे से बाहर निकलने के लिए हमें लाइन लगानी पड़ रही है, ऊपर जाके इधर जाएंगे ना। चलो गाइस, ये है दिल्ली जंक्शन और अभी के लिए ये है दिल्ली ओल्ड जंक्शन। नहीं भैया, हमने एमएस धोनी फिल्म देखी थी, उसमें बोला गया था कि मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है, तो हमने बना लो मन और हम आ गए दिल्ली है बाबू। और दिल्ली मेट्रो जाने के लिए वोरा, दिस इज वे टू मेट्रो, एंड मेट्रो के लिए हम अंदर से भी जा सकते हैं। और इधर जो है रिजर्वेशन काउंटर की तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि मैं परेशान सही जगह छोड़ोगे तो G20 का भाई सारी सड़कें ना देश भर के जितने भी स्मारक हैं वहाँ पर लगा दिया। अभी हम रुके हैं एक रेड लाइट का, और ये होनी चाहिए थी सिटीज़ में ना, कोटा में नहीं है, क्या करें, हम मजबूरी है हमारी, हम नहीं क्या कर सकते हैं। खैर, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें चल रही हैं भाई गजब की, और ये वाली जो है ये इलेक्ट्रिक बस है भाई, JBM करके कोई कंपनी होती है, और कोटा में भी जल्दी आने वाली है। 100% इलेक्ट्रिक, 0% स्मोक, बेस्ट है यार। ये है दिगंबर जैन लाल मंदिर, मतलब पूरा लाल है, और इसका नाम भी लाल मंदिर करके। इधर आ जाओ भाई। और ये है दिल्ली का लाल किला, ऐसा दिख तो अच्छा नहीं रहा है ऐसे, क्योंकि फोक फोक है पूरा, इसमें धुआं धुआं सा हो रखा भाई। तो अब हम आ गए हैं मंदिर के पास में। खैर, हम इस मंदिर के अंदर जा तो नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ हम चांदनी चौक ज़रूर जा रहे हैं, क्योंकि मैं भाई तीसरी बार आ रहा हूँ चांदनी चौक, और लालू जो है पहली बार है, लेकिन बेचारा लालू जो है अभी चुसावा हम हो रहा है, क्योंकि ये अभी सफ़र करके आया, इस वजह से इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब ख़राब सी है, ख़राब ख़राब सी है ना। पानी पिएगा है, इसको हटा देता हूँ, कभी कहीं नहीं जाना भाई इस साल, क्या करेंगे। पानी का ये स्टेट बैंक है भाई, और इसी के सामने है चांदनी चौक, काफ़ी बड़ा मार्केट है वैसे ना, ये कुचा चौधरी मार्केट है, जिसके अंदर DSLR वगैरह सब मिलते हैं। आ रखा हूँ मैं यहाँ पे बस। क्या हुआ कितने से भाई? अभी तो मार्केट खुला नहीं बेटा, जब ये खुलेगा ना तब यहाँ पे भयंकर की भीड़ होगी, गजब की एकदम खतरनाक कड़ी भीड़, पैर रखने की जगह ना मिलेगी यहाँ पर। क्यों, बड़ा महंगा है वो लहंगा यहाँ पर, लहंगा बड़ा महंगा हमारे यहाँ भाई साहब। ये है गुरु शीशगंज साहिब दिल्ली, काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा वैसे है ना। भाई साहब यहाँ से लाल किला तो दिख भी नहीं रहा है, मतलब इतना भयंकर का पोल्यूशन है कुल मिला के, यही बात कह सकते हैं दिल्ली में। और देख लो भाई साहब, यहाँ पे 9 AM मतलब सुबह के 9 से रात को 9 बजे तक कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, बाइक ट्रक कार वगैरह कुछ भी, 3 पहिए के वो हैं, इससे शायद से लूप होल का फ़ायदा उठा रहे हैं, वरना 20,000 जुर्माना है भाई इस वाले रास्ते पर। तो पैदल घूम सकते हैं बढ़िया मस्त यहाँ पर ना, वही है। अब हम हैं अभी एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, वैसे तो लिखा हुआ था बाहर तो मैंने ऐसे बोल दिया, बट उड़ा के घड़ियाँ वगैरह खूब है, मुझे नहीं समझ में आ रहा पब्लिक यहाँ के ब्लॉग कैसे करती है, और करती है तो रिकॉर्ड क्या करती है, यहाँ पे तो सब कुछ सेंसेम ही है। ऐसे जूते चाहिए कि तेरे को होगी पोगी, ऐसे कहते नहीं पहने भाई। मैं आया ना, मैं तो यहाँ पे आते से चौंक गया, मैंने कहा क्या इतनी तगड़ी मार्केट, ऐसे लाइटिंग वगैरह की खूब है यार, यहाँ पर देख स्विचेस वगैरह मस्त मस्त, सबसे सुंदर टिकाऊ। ओके गाइस, स्त्री देखनी है ना, मैं पुरुषन देखना किसी का, हीरा लाल इलेक्ट्रिकल 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 भाई साहब, प्रोटीन बेच रहा था उधर, प्रोटीन हाउस आ गया, ये भी नकली नकली मतलब ब्रेज हो गया, लाइटिंग तो मस्त मस्त है यार। सर नीचे रास्ता जाने से है किधर, मार्केट होलसेल वाला वहाँ सामने होगा, पंखे वाले के पास होगा। अच्छी वाली होगी तभी तो बोलूँगा,
तो भाई साहब मैं इस मार्केट को लेकर ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, मतलब अच्छा लगा मेरे को ना ये वाला मार्केट। तुझे नहीं लगा? तुझे थोड़ी लगा, तो तुम मरी पड़ी है सुबह से। हाँ जी, मैं धन्यवाद भैया। देखो पेड़ भी बोलता है। पेड़ भी बोलता है? पेड़ नहीं है वो, मोको टोको। मोको टोको देखता देखता। ये कितने में दे रहा हूँ? सही चीज़ है भाई, जब तुम्हारे साथ मरी हो ना, तुम कहीं नहीं घूम सकते। अभी ये है कैसे खेल रखी है ना, कहीं चलने की बोल रहा हूँ, चली जाए, चलनी रही है, हिलनी रही है, ढुलनी रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कहाँ घूम कर रही? हाँ चल यार, अच्छा भला तो घूम रहा हूँ मैं यहाँ से। लाल मंदिर फिर से आ गया हम यहीं पर, और यहीं डोल रहे हैं भाई। हमने सोचा था कि सरोजनी जाएंगे, पर अब हम सरोजनी नहीं जा रहे हैं, सरोजनी कैंसिल करके हम कोटा की टिकट करवा रहे हैं। दो दो टिकट कैंसिल करनी पड़ेगी उसी चक्कर में, कोई ना। तो चलो यहाँ से लेते हैं ओल्ड दिल्ली के लिए गाड़ी, वहाँ से लेंगे मेट्रो नई दिल्ली के लिए, वहाँ से गाड़ी बुक करते हैं। चुप रहे। तो चलो भैया हम वापस रेलवे स्टेशन के अंदर आए, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं नई दिल्ली, क्योंकि जो हमारी ट्रेन है वो यहाँ से नहीं है, नई दिल्ली से है नेक्स्ट वाली। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो, और मेट्रो से हम जाएंगे नई दिल्ली, और ये है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। चलो चलते हैं। वैसे अभी प्रोहिबिटेड है वीडियोस बनाना, तो मैं बंद करता हूँ, देखते हैं हमारा बना सकते हैं कि नहीं। लड़की भारी मजदूरी पे है, मजदूरी पर बेटा, पैसे देगा मैं तेरे को इसके वजन उठाने के। मस्त ये भी उठवा रखा है, ये भी उठवा रखा है। चलो हम भी निकलते हैं। ए ऊपर नीचे घड़ी से ऐसे कैसे यार, ऐसे थोड़ी होता है। चलो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन घड़ीस। चलो नीचे उतरने का सिस्टम पैदल है, चढ़ने का सिस्टम ऑटोमेटिक है, कोई बात नहीं चढ़ जाएंगे। दो स्टेशन के लिए हमें मेट्रो करी बताओ। उसके तो आत्मा जागी बेचारे की, मैं यहाँ क्यों आई है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। चलो ये फोन एक मिनट रुक जा। चलो ओ चलो भैया हम पहुँच गए ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जैसे NDLS कहते हैं, और वो जो था वो DLI था, मतलब वो सबसे पहला शायद से रेलवे स्टेशन था। कुछ लोग ऐसे अरे अंकल जी फिर से आगे आ गए हमारे यार। लालू अंकल जी फिर से आगे आ गए हमारे। वहाँ पे भी आगे आ गए थे। चलो खैर से हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे चेक इन वैक इन कर रहे हैं, यही चल रहा है अभी ज़िंदगी में, बहुत बढ़िया। कोई ना भाई चलते हैं। चलो भाई हालत ख़राब है भाई, दिल्ली में बहुत गर्मी है यार। मैं तो ससुराल में अच्छा था, लालू ससुराल में अच्छा था मैं तो भाई। और ये टैं 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 दिमाग ख़राब कर रहे हैं ना हमारे प्लेटफॉर्म भाई साहब। पिछले 3-4 घंटे से हम रेलवे स्टेशन पर आए, और हमारी ट्रेन जो है हमारे सामने खड़ी थी, हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे थे, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़ी है। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुआ, मतलब 4 बजे के आसपास, तो हम यहाँ आकर बैठ गए। तब दरवाजे नहीं खुले थे, एक दरवाज़ा खुला था, हमारे डिब्बे में आकर बैठ गए, और बस बैठे हैं अभी। थोड़ी बहुत देर बैठेंगे तब तक ट्रेन चल जाएगी, ट्रेन चल जाएगी तो हम भी निकल जाएंगे, बात ख़त्म होगी बात की। ज़्यादा पंचायती करनी नहीं है, क्योंकि दिमाग ख़राब हो रखा भाई, बहुत तेज़ दिमाग ख़राब हो रखा। एक तो ऐसा हुआ कि लालू की हो गई तबीयत ख़राब, जब इनकी तबीयत ख़राब हुई तो हमने घूमना कैंसिल कर दिया। तो हम बस इतना सा घूमे थे मार्केट में, जो तुम लोगों ने देखा है, 2-4 चीज़ें लिए, और तुम्हें घर जाके बताएंगे भैया हमने क्या क्या लिया है। अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं है भाई कुछ भी, तो बस अब थोड़ी देर बैठते हैं। हवा वैसे यहाँ पे आना रही है, मैं सोच रहा हूँ बाहर चलते हैं भैंस के टाँग। हवा वो चलो भैया स्वराज एक्सप्रेस, और हम पहुंच गए कोटा जंक्शन, सामने दिख गया होगा, दिखाएगा कोई नहीं अभी तो। कौन भैया लेने आए हैं? तो बैग ही नींद ख़राब करी आज हमने रात को 2 बजे, पब्लिक उतर ही रही है अभी तो, 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। अच्छा खासा बन रहा है भाई, जंक्शन मस्त बन रहा है। खैर अभी तो हमारी हालत ख़राब है, हम सुबह मिलेंगे। और वीडियो को यहाँ तक देख लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब।
बाकी सब पड़े मजे में राधे राधे। ये रे नया पूरा बस स्टैंड भी छोड़ेंगे यही। ये आगे बोल रही है गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। ससुराल में आओ, ससुराल में आओ। पर भाई साहब कौन भैया, कुछ भी कहो हम तो नरक में रहते हैं भाई। ससुराल